मेरे अंदाज से लास्ट 3 सालों में हम देख रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है। हमारी एक मांग है कि हम रेंटल हाउसिंग के ऊपर काफ़ी जोर देना चाहिए, क्योंकि जैसे अमेरिका जैसे देश है, अमीर देश है, वहाँ भी 50% लोग किराए के मकान में रहते हैं जन्म से मरण तक। तो मेरे अंदाज से हमारे पॉलिसी जो बनाया है, वित्त मंत्री ने ऐलान भी किया है कि हमें रेंटल हाउसिंग के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, और हाउसिंग मिनिस्ट्री ने भी उनके वेबसाइट पर दिखाया है कि रेंटल हाउसिंग की एक मॉडल रेंट बिल किया जाए। इसके हिसाब से हम समझते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेंटल हाउसिंग पॉलिसी और जितने भी हमें वित्त मंत्री के द्वारा फाइनेंस बिल या बजट के अंदर हम ला सके, वो पॉलिसी को निकाला जाए, तो वो जल्दी से जल्दी हम इस सेक्टर को भी काफ़ी बढ़ा सकते हैं। ये पहली मांग रही है। दूसरी बात है लिक्विडिटी क्राइसिस। काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पॉजिटिव नेटवर्थ है, प्लस हैं, आगे जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है, एक तेल ही नहीं है जो ये प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाए। तो हमने ये मांग की है कि जितने भी बैंक हैं, NBFCs को है, उनको डायरेक्शन दिया जाए कि जल्दी से जल्दी ये SME सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर, रोड सेक्टर जितने भी प्रॉब्लम्स में हैं उनको एक राहत दिया जाए। तीसरी बात हमने वित्त मंत्री से रिक्वेस्ट की है कि वो वन टाइम रोल ओवर कर दें। 2008 में जब लीमन क्राइसिस हुई थी, हमने रिजर्व बैंक के द्वारा एक वन टाइम रोल ओवर जितने क्रेडिट लिमिट्स हैं उनको दोबारा रोल किया था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स पॉजिटिव नेटवर्थ के हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंसिंग पॉसिबिलिटी है, बट टेम्पररी क्रेडिट नहीं है। जैसे ऑटोमोबाइल में अभी सेल नहीं है तो फैक्ट्रीज बंद हो गए हैं, तो उनके सप्लायर क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। वैसे ही हाउसिंग सेक्टर में प्रॉब्लम्स हैं, जो स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स हैं उनके जो सप्लायर वो बैंकों को पैसे नहीं दे सकते हैं, तो उनको एक वन टाइम रोल ओवर करा किया जाए तो क्या हो जाएगा कि जो नेगेटिव क्रेडिट लिमिट्स हैं उनको पॉजिटिव किया जाए। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि हम भाव गिराना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, लेकिन इनकम टैक्स की जो सेक्शन है 43CA, उसमें आप भाव कम कर दिए जाए तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो कम भाव देने पर सरकार ये चाहती है कि पेनल्टी दिया जाए, मेरे अंदाज से वो अन्याय है। प्रधानमंत्री ने क्लियर कट किया है कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग करना चाहते हैं, तो मेरे अंदाज से, और ये वित्त मंत्री की भी मांग है, तो मेरे अंदाज से उनको ये परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि जल्दी से जल्दी ये करेक्शन किया जाए। ये हमारे मेन मांग है। उसके अलावा काफ़ी दूसरे बातें, छोटी छोटी बातें हैं जो हम समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का मकसद है, मकसद ये है कि $5 ट्रिलियन इकॉनमी, ये मकसद है कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग हर एक को 2022 तक हम करवा दें, तो ये करने के लिए हमें काफ़ी दूसरे मांगे रखी है वित्त मंत्री को, तो मेरे अंदाज से ये सब मांगे पूरे कर दें तो जो प्रधानमंत्री की टारगेट है 5 ट्रिलियन इकॉनमी प्लस हाउसिंग फॉर ऑल, हम पूरा कर सकते हैं। साथ साथ में एक दूसरा फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि जो GDP का ग्रोथ है वो हम समझते हैं कि 6 महीने के अंदर हम डबल डिजिट कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। सिर्फ GDP ग्रोथ करने से देश के सुधार नहीं हो सकते, उसके साथ साथ में ये क्षेत्र में काम करने की, बढ़ाने की आवश्यकता है जहां हम एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा दें, जैसे रियल इस्टेट, जैसे रोड सेक्टर, जैसे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल्स, टूरिज़्म। मेरे अंदाज से ये सब क्षेत्र पर हम ध्यान दें तो रियल इस्टेट के अलावा हम डबल डिजिट प्लस 5 ट्रिलियन और अफोर्डेबल हाउसिंग पूरा हो जाएगा। थैंक यू। मंदी महसूस कर रहे हैं सर, मंदी है अब रियल इस्टेट में कि नहीं है? मंदी तो है, उसमें तो दो मत नहीं है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग कहते हैं और सब लोग कह रहे हैं, लेकिन इसका परिवर्तन करने का अभी रास्ता बहुत ही ईजी बन गया है। तो हमने जो सुझाव दिए मेरे अंदाज से 30 दिन के अंदर आप परिवर्तन कर सकते हैं, पूरे देश को नेगेटिव इकोनॉमी ऑफ 4% 5% से लेके 10% प्लस हम 6 महीने के अंदर ला सकते हैं, ये हमारा सुझाव है। सर, कोई टाइम बॉम्ब नहीं है,
हम टाइम ग्रोथ करना चाहते हैं, मेरे अंदाज से ये टाइम ग्रोथ 6 महीने के अंदर हम कर देंगे, तभी आप ये मंदी की नहीं बात करेंगे, इतनी तेजी कहाँ से आ गई उसकी बात चलेगी। आप देखिए ग्रोथ, अभी तो ये प्रेस मीटिंग हमने की उसमें काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हैदराबाद में, बेंगलोर में तेजी आ गई, तो ये शुरुआत है, ग्रीन शूट्स हम देख रहे हैं कुछ ही सेक्टर में, लेकिन देश भर में हम देखना चाहते हैं, सिर्फ बेंगलोर हैदराबाद में MMR में नहीं देखना चाहते, हम पूरे देश में देखना चाहते हैं, इसलिए जो नारेडको के द्वारा हमने सुझाव दिए वो पूरे देश को उठाव करना चाहते हैं और हर एक क्षेत्र में हम जो तरक्की है देश में वो लाना चाहते हैं।